दोस्तों नमस्कार। ई वे बिल, कल मैंने अपने वीडियो में ई वे बिल के बारे में 8 बातें बताई थी जो सप्लायर या रिसिपिएंट यानी कि जिनको माल मिलना होता है उनके लिए बताई थी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो ये 8 बातें ट्रांसपोर्टर्स के लिए हैं। इस वीडियो में मैं 8 बातें ट्रांसपोर्टर्स के लिए बताऊंगा कि वो 8 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी रास्ते में। क्या आपका गाड़ी कोई कितनी बार चेक कर सकता है टैक्स ऑफिसर, ये बताऊंगा। ई वे बिल की कितनी वैधता होती है ये बताऊंगा, और आपके गाड़ी में कितने की माल है तब आपको ई बिल लेने की जरूरत है, ये सारी बातें बताऊंगा सिर्फ 8 पॉइंटों में। अगर आप भी रहना चाहते हैं सावधान और नहीं होना चाहते हैं परेशान तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां होती है आपकी बात, आपके मुद्दों की बात। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो अपने जीएसटी इन की मदद से सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करें ई वे बिल gst.gov.in पे, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पे भी है। अगर आपके पास जीएसटी इन नहीं है उसके बावजूद भी आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इसी साइट पे। अगर किसी माल की कीमत 50,000 रुपए से कम है और सिंगल बिल 50,000 रुपए से कम है तो उस परिस्थिति में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सवाल यह है कि अगर आपके गाड़ी में 2 माल या 3 माल यानी कि 2 बिल या 3 बिल पे माल है जिसकी कीमत 50,000 रुपए से कम है हर बिल में, तो भी आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बिल या इनवॉइस में माल की कीमत 50,000 रुपए से अगर कम है तो आपको ई वे बिल की जरूरत उस गाड़ी के लिए नहीं पड़ेगी। हालांकि गाड़ी में अगर टोटल वैल्यू यानी कि टोटल कीमत की माल अगर 2 लाख 1.5 लाख की भी है लेकिन अलग अलग बिल के अंदर में है जिसकी कीमत 50,000 रुपए से कम है तो आपको ई वे बिल की जरूरत उस गाड़ी के लिए नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, अगर रेलवे के द्वारा माल भेजा जा रहा है तो उस परिस्थिति में ई वे बिल रेलवे को देने की जरूरत नहीं है जब आप माल भेज रहे हैं तब, लेकिन जब वो माल रेलवे डिलीवर करेगी जिसको भेजा गया है उसको जब वो माल लेना होगा रेलवे से तो उसको वहां पे ई वे बिल दिखाना होगा रेलवे को। चौथी बात, अगर आपने ई वे बिल काट दिया है और माल किसी कारणवश नहीं भेजा जा सका तो ई वे बिल की वैधता आप बढ़ा सकते हैं विशेष परिस्थिति के अंदर में। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं और आपके गाड़ी में 5 तरह के माल जा रहे हैं यानी कि 5 लोगों के माल जा रहे हैं तो आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बना सकते हैं, यानी कि आप इकट्ठा ही ई वे बिल बना सकते हैं। ये इकट्ठा ई वे बिल आप जीएसटी ईडब्ल्यूबी पार्ट 2 के अंदर में बना सकते हैं। छठी बात, अगर रास्ते में किसी कारणवश एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में माल अगर ट्रांसफर किया गया है तो इसकी जानकारी देना आपको आवश्यक होगा। सातवीं बात, अगर आपकी गाड़ी माल लेके जा रही है और उसकी एक बार चेकिंग किसी टैक्स ऑफिसर के द्वारा कर ली गई है तो उस गाड़ी की चेकिंग दोबारा किसी भी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित राज्यों में भी दोबारा नहीं किया जा सकता है। यह चेकिंग दोबारा तभी किया जा सकता है किसी विशेष जानकारी के तहत या कोई विशेष जानकारी उस माल या उस बिल के बारे में टैक्स ऑफिसर को मिला हो, तभी उस गाड़ी की दोबारा चेकिंग की जा सकती है, अन्यथा दोबारा चेकिंग किसी भी गाड़ी की नहीं हो सकती। आठवीं बात, ई वे बिल की वैधता यानी कि वैलिडिटी। ई वे बिल की वैलिडिटी यानी कि वैधता हर दिन के हिसाब से यानी कि 100 किलोमीटर के हिसाब से फिक्स की गई है। ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए एक दिन में उसकी दूरी 20 किलोमीटर रखी गई है। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब है जो माल डायमेंशन में बहुत बड़ा है, जैसे ट्रक से बाहर कई बार माल जा रहे होते हैं और जिसको चलाना काफी मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक दिन की वैलिडिटी यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी वो तय कर सकता है, ऐसा माना गया है इसमें, और 20 किलोमीटर यानी कि एक दिन उसकी भी वैलिडिटी होगी। उसके बाद हर दिन के लिए 100 किलोमीटर या उसका पार्ट देयर ऑफ यानी कि 150 किलोमीटर की अगर दूरी है तो उसकी वैलिडिटी 2 दिन की होगी, यानी कि ई वे बिल में दूरी के हिसाब से उसकी वैलिडिटी होगी। और नॉर्मल केस में 100 किलोमीटर की दूरी हर दिन के हिसाब से उस ई वे बिल की वैधता होगी, और ई वे बिल की वैधता रात के 12 बजे खत्म होगी, यानी कि 12 बजे अगर 2 दिन का आपने लिया है तो रात के 12 बजे उसकी वैधता खत्म हो जाएगी और फिर दूसरा दिन उसका शुरू हो जाएगा और अगले रात के 12 बजे तक दूसरा दिन वैलिड रहेगा। मेरी कोशिश होती है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी बातें सरल भाषा में अपने ट्रांसपोर्टर तक पहुंचाया जाए और जिसमें उनको कोई दिक्कत ना हो समझने में।
शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं एक नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं घर पे इंतजार।